इस साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन देव दीपावली पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। इस साल ये पर्व 8 नवंबर के दिन धूमधाम से मनाया जाएगा। मान्यता है कि देव दीपावली के दिन पूजा पाठ करने से भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन देवी देवता माँ गंगा में स्नान करने के लिए धरती लोक पर आते हैं, इसलिए उनके स्वागत के लिए वाराणसी समेत कई घाटों पर लाखों की संख्या में दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। लेकिन इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसकी जानकारी आज हम आपको अपने इस वीडियो में देने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बताते हैं इस दिन कौन से काम नहीं करने चाहिए। कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन भक्तों को तामसिक भोजन से बचना चाहिए। साथ ही इस दिन किसी भी हाल में मदिरा और मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। देव दीपावली के दिन धन से संबंधित लेन देन नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन आप ना तो किसी को पैसा दें और ना ही उनसे कर्ज के रूप में पैसा लें। देव दीपावली के दिन नाखून और बाल काटना वर्जित है। साथ ही इस दिन देर तक सोना भी अशुभ माना जाता है। इस नियम का पालन करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती है। देव दीपावली पर इस बात का विशेष ध्यान रखें कि घर में हर तरफ स्वच्छता अवश्य हो, यहाँ तक कि किसी भी कोने में मकड़ी का जाल तक ना हो। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भक्तों पर सदैव बना रहता है, अन्यथा वो नाराज होकर घर से लौट जाती हैं। इस विशेष अवसर पर इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि घर में किसी भी प्रकार का झगड़ा या वाद विवाद ना उत्पन्न हो। पूरे दिन मधुर व्यवहार रखें और जरूरतमंद लोगों को दान में अन्न धन प्रदान करें। दोस्तों, मान्यता है कि इन नियमों का पालन करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु अपने भक्तों से प्रसन्न होते हैं और उन पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। चलिए अब जानते हैं इस दिन क्या करना चाहिए। देव दीपावली के दिन गंगा स्नान का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व बताया गया है। मान्यता है कि देव दीपावली के दिन गंगा स्नान करने पर व्यक्ति के जीवन से जुड़े सभी दोष दूर हो जाते हैं और उसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यदि आप देव दीपावली पर गंगा नदी के तट पर ना पहुंच सके तो अपने घर में ही नहाते वक्त पानी में थोड़ा गंगा जल डालकर स्नान करें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए पीला रंग अत्यंत ही शुभ माना गया है। ऐसे में देव दीपावली पर भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद पाने के लिए पीले रंग का वस्त्र अवश्य धारण करें। देव दीपावली के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए विशेष रूप से भगवान सत्यनारायण की कथा सुने या कहें। मान्यता है कि देव दीपावली और पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा को सुनने या पाठ करने से जीवन से जुड़ी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सभी कष्ट दूर होते हैं। देव दीपावली के दिन तुलसी जी की पूजा और सेवा करने का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। इस दिन घर में तुलसी का पौधा लगाना शुभ माना जाता है। देव दीपावली के दिन तुलसी की 11 पत्तियां लेकर उसकी एक छोटी माला बना ले और उसे भगवान विष्णु को अर्पित कर दे। कुंडली टीवी डेस्क से लता शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।